जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नया इडियम्स देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 320 नंबर तक इडियम्स हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 321 से। ठीक है, तो देखिए 321 में दिया हुआ है टॉक बिग। टॉक बिग माने बातचीत बड़ा, जो बहुत बातचीत करना, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो टॉक बिग, टॉक बिग का मतलब होता है डींगे मारना, टू बोस्ट आर ब्रैग, डींगे मारना। ठीक है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, समथिंग, तो मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, उसको बोलते हैं टॉक बिग। क्या बोलते हैं? टॉक बिग। नेक्स्ट दिया हुआ है टॉक ऑफ द टाउन्स। टॉक ऑफ द टाउन्स, ऑफ द टाउन माने कस्बे का बातचीत हो जाना, कस्बे में चर्चा हो जाना, तो चर्चित बात। तो ध्यान दीजिए, टॉक ऑफ द टाउन, कस्बे की बातचीत। अब कस्बे की बातचीत में क्या होगा? किसी चीज की चर्चा होती है। जब किसी चीज की चर्चा होगी तो उसी को बोलते हैं चर्चित बात। तो टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है चर्चित बात, टू बी द पर्सन और अ सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऐसा पर्सन या व्यक्ति या सब्जेक्ट के बारे में जहाँ पे प्रत्येक लोग इसी की बात करते हैं, उसको बोलते हैं टॉक ऑफ अ टाउन। कस्बे की बातचीत चर्चित व्यक्ति हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है द प्रिंटर्स डेविल। ध्यान दीजिए, जब हम लोग प्रिंट कराने जाते हैं कोई चीज़, तो उसमें जब कोई गलती होती है या त्रुटि हो जाता है तो वो प्रिंटर्स डेविल्स होता है। डेविल माने बुराई या गलती, तो प्रिंटर्स माने प्रिंटर, जो प्रिंट करता है उसको प्रिंटर बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे प्रिंटर क्या होता है, तो प्रिंटर्स डेविल प्रिंटर की बुराई, अर्थात प्रिंटर की गलती, जो छपाई त्रुटि, उसको क्या बोलते हैं? छपाई त्रुटि। अगर प्रिंटर्स डेविल्स है, अर्थात प्रिंटर की गलती है, प्रिंटर की गलती की वजह से जो मिसप्रिंट होता है या प्रिंटिंग में जो गलतियां होती हैं, उसी को बोलते हैं छपाई त्रुटि। इसको बोलते हैं द प्रिंटर्स डेविल्स, एरर इन प्रिंटिंग, एरर इन प्रिंटिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है थिंक ट्वाइस। कहते हैं थिंक ट्वाइस, एक बार दो बार सोच लो, सोच समझ कर निर्णय लेना। ठीक है, तो थिंक ट्वाइस का मतलब होता है सोच समझ कर निर्णय लेना। कहते नहीं, थिंक ट्वाइस, एक बार दो बार सोच लो, उसके बाद निर्णय लो। तो टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है एडियम्स थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन, एक भूखा बच्चा होता है या एक भूखा व्यक्ति होता है, वो इतना भूखा होता है कि क्या करता है, जब उसको रोटी दिया जाता है तो रोटी देते वक्त बोला जाता है मोटी या पतली चलेगा, तो कहता है कोई भी दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, हम सब खाएंगे। अर्थात थ्रो थिक एंड थिन का मतलब सभी परिस्थितियों में, चाहे मोटी हो और चाहे पतली हो, हम सब रोटियां क्या करेंगे, खाएंगे। तो उसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन का मतलब सभी परिस्थितियों में, चाहे जैसी परिस्थिति हो हम उसे क्या करेंगे, खाएंगे। इन गुड एंड बैड टाइम्स, इन गुड एंड बैड टाइम्स, इसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन। सॉरी, नेट दिया हुआ है थ्रो कोल्ड वाटर अपान। थ्रो कोल्ड वाटर अपान, ध्यान दीजिए, थ्रो कोल्ड वाटर अपान, जैसे कोल्ड वाटर माने होता है एकदम ठंडा पानी, नहीं क्या बोलते हैं, ठंडा पानी। तो थ्रो कोल्ड वाटर अपान का मतलब होता है हतोत्साहित कर देना। ठंडा पानी क्या होता है, जान लीजिए, किसी को, जैसे मान चलिए एक पॉन्ड है और ठंडी का मौसम है, पॉन्ड है, ठंडी का मौसम है, पानी भरा हुआ है, तो बोलते हैं पार कर लोगे, एक तैराक होता है, पार कर लोगे, हाँ हाँ पार कर लेंगे, पार कर लोगे, हाँ अरे ये बहुत छोटा पॉन्ड है, भाई आसानी से पार कर लूँगा, लेकिन ठंडा पानी है समझ लेना, अरे कहता अरे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात कोल्ड वाटर मतलब वो हतोत्साहित कर देना, क्या होता है, डिस्करेज कर देना, क्या करना, डिस्करेज कर देना। थ्रो कोल्ड वाटर अपान का मतलब होता है डिस्करेज कर देना। नेक्स्ट है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है, गॉन्टलेट का मतलब होता है आपका धातु के दस्ताने। गॉन्टलेट का मतलब धातु के दस्ताने,
और उसे थ्रो डाउन कर देना, मतलब नीचे रख देना। कहते हैं आओ, नीचे रख के बोलते हैं आओ आओ अगर लड़ना है तो। नहीं कहते अरे तुम्हारे पास तो धातु के दस्ताने हैं, तो धातु के दस्ताने निकाल के तुरंत फेंक देता। कहते आओ आओ बिना दस्ताने के लड़ूंगा, अर्थात चैलेंज करना। क्या होता है चैलेंज करना, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब होता है चैलेंज करना, टू चैलेंज, टू चैलेंज। नेक्स्ट दिया हुआ है टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल। अब ध्यान दीजिए, कोई कील होता है, जब मान चलिए कोई कील किसी चीज़ में फंसा होता है और हम उस कील को निकालना चाहते हैं और जब नहीं निकलता है हाथ से, तो हम लोग दांत से पकड़ के उसको खींचते हैं। तो जब दांत से पकड़ के खींचते हैं तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं उसे क्या करने में, खींचने में। तो पूरी ताकत से, देखिए टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, वायलेंटली पूरी ताकत से टूथ एंड नेल कर देना। ट्रू टू वंस साल्ट, ट्रू टू वंस साल्ट, सच होना किसी के नमक के लिए। अब किसी के नमक के लिए, नमक मतलब उसको बोलते हैं वफादार होना। कहते हैं हम आपके नमक खाए हैं, नमक हलाल हैं, नमक हलाल, अर्थात ट्रू टू वंस साल्ट का मतलब होता है नमक हलाल होना या वफादार होना। उसको बोलते हैं लॉयल पर्सन, क्या बोलते हैं लॉयल पर्सन। आइए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, हमारा अगला दिया हुआ है टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न माने मोड़ देना, अ डीफ ईयर माने एक बहरे कान को, टू माने किसी की ओर, अर्थात टर्न अ डीफ ईयर माने किसी की ओर अगर बहरा कान होगा, किसी की ओर मोड़ देंगे तो क्या आप सुन पाएंगे, नहीं सुनेंगे। अर्थात टू टर्न अ डीफ ईयर टू, किसी की ओर बहरे कान को मोड़ देना, अर्थात उसके बात को अनसुना कर देना। क्या कर देना, अनसुना कर देना। तो टर्न अ डीफ ईयर टू मतलब अनसुना करना, नॉट टू पे अटेंशन, उसे ध्यान न देना, उसे बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर टू। नेट दिया है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक न्यू एक नए पत्ते में बदल जाना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब पुराना पत्ता छोड़ देना, नए पत्ते में बदल जाना, उसको बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अर्थात बुरे आचरण छोड़े अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, अर्थात बुरे आचरण को छोड़कर अच्छे आचरण बनाना, उसको बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू बी एंटायरली चेंज्ड, टू बी एंटायरली चेंज। नेट दिया हुआ टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर का मतलब किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना। टर्न द कॉर्नर, अरे ठीक है सही है, लेकिन उस कॉर्नर पे टर्न लेते समय बहुत ध्यान देना है। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब किसी कार्य में आए संकट स्थिति से उबर जाना, धीरे से निकालना। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है उबर जाना। टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, ठीक है, तो किसी कॉर्नर से गुजर जाने का मतलब होता है किसी संकट से पूर्ण रूप से उबर जाना, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है टर्न टर्टल, टर्न टर्टल, टर्टल माने कछुआ, अगर कछुआ पलट गया तो उलट पलट जाना, कछुआ पलटने का टर्न टर्टल, कछुआ पलटता नहीं, अगर पलट गया तो क्या हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा। तो टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट पलट जाना, टू ओवर टर्न हो जाना, टू ओवर टर्न हो जाना। नेक्स्ट दिया हुआ है टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट अप, तो टर्न अप मोड़ देना ऊपर की ओर, वंस नोज माने किसी के नाक, अब किसी का नाक ऊपर की ओर हो जा रहा है तो दूसरे को नीचा दिखा रहा है, दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। तो टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है नीचा समझना, दूसरे को क्या समझना, नीचा समझना, उसको बोलते हैं टर्न अप वंस नोज एट, मतलब नीचा समझना। टू टॉक लाइटली विथ कंटेम्प्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है अंडर द नोज ऑफ,
नाक के नीचे से अर्थात आँख के सामने से नाक के नीचे से कोई चीज़ हो जा रहा है तो अंडर द नोज ऑफ का मतलब होता है राइट इन द फ्रंट ऑफ द ऑफ समवन, किसी के सामने से कोई चीज़ हो जा रहा है नाक के नीचे से हो जा रहा है अर्थात अंडर द नोज ऑफ, आँख के सामने से कोई चीज़ होना। नेक्स्ट दिया हुआ है अंडर द थंब ऑफ, अंडर द थंब ऑफ, थंब माने अंगूठा समझिए, ठीक है, अंडर द थंब ऑफ। जैसे मान चलिए अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है के वश में होना, किसी के वश में हो जाना, तो अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है किसी के वश में हो जाना। मान चलिए पहले के जो जमींदार होते थे या राजा महाराजा होते थे तो ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे, अंगूठा लगा देते थे, क्या लगा देते थे, अंगूठा लगवा के अपने अब पहले जमींदार जो होते थे जो कर वगैरह नहीं दे पाते थे तो उनका अंगूठा लगा के उनको अपने वश में कर लेते थे या उनके ज़मीन को अपने 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 में मिला लेते थे, अब ले लेते थे, तो उसको बोलते थे अंडर द थंब ऑफ का मतलब के वश में हो जाना, अंडर द थंब ऑफ हो गया, अंडर द पावर आर इन्फ्लुएंस ऑफ। आइए देख लेते हैं हमारा अगला दिया हुआ है अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग का मतलब उठो और करो अर्थात काम में सक्रिय रूप से भाग ले लो, उठो और करो तो उसको बोलते हैं काम में सक्रिय रूप से भाग लेना, लग जाना, उसको बोलते हैं अप एंड डूइंग, एक्टिव इन वर्क, एक्टिव इन वर्क। नेक्स्ट दिया हुआ है अप वंस स्लीव्स, अप वंस स्लीव्स, अप वंस स्लीव्स का मतलब होता है छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करें, उसको बोलते हैं अप वंस स्लीव्स, अप वंस स्लीव्स, छिपा के रखी गई वस्तु को प्रयोग या जरूरत पड़ने पर प्रयोग करें। एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेन वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला दिया हुआ है एडियम्स अपहिल टास्क, अपहिल माने ऊंची पहाड़ की तरह कार्य अर्थात बहुत कठिन कार्य है, अपहिल टास्क, अपहिल टास्क, तो अपहिल टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य, बहुत ऊंचा कार्य मतलब बहुत कठिन कार्य है, डिफिकल्ट टास्क, यू कैन से डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट दिया हुआ है अपान वंस स्वीट विल, अपान वंस स्वीट विल्स, स्वीट विल्स मतलब स्वीट माने मीठी, विल माने इच्छा, अपनी इच्छा पर, इसको बोलते हैं अपान वंस स्वीट विल, अपान वंस स्वीट विल का मतलब होता है अपनी इच्छा पर, ऑन सेल्फ डिजायर आर विश। तो आज हम लोगों ने 20 idioms देख लिए और हम लोग पढ़े इन इस सीरीज में 20 idioms देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।